अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टूडियो वन। आप देख रहे हैं स्टूडियो वन, आज है संडे और मैं हूँ मोना। आप ट्यून्ड इन हैं इंडिसिजन पर और हम आपके लिए एज पर हमारा जो फॉर्मेट है लाए हैं बहुत सारा म्यूज़िक, बहुत सारी गॉसिप। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं शो पे। हमारे ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं। हमें SMS करें 1313 पर, टाइप करें S1 स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, आपका मैसेज और हमें सेंड कर दें। हमें ईमेल करेंगे आप studio1@indus.tv पर। आपके SMS और आपके ईमेल्स हम शो में साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। तो वेलकम टू द शो फॉर द टाइम बीइंग। आज है संडे और उम्मीद करती हूँ कि आपने सैटरडे को जो है बड़े मज़े किए होंगे, क्योंकि सैटरडे जो है वो वाहिद दिन होता है जब आप एक्चुअली जो है चिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि संडे भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होता है आगे वाले मंडे की वजह से। तो सैटरडे को ये है कि मैं तो जो है आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने तो बड़ा मज़ा किया। मैं अपने पुराने आई मेट ओल्ड फ्रेंड्स और मेरा ख्याल से देयर इज़ नथिंग लाइक एन ओल्ड फ्रेंड रीयूनियन। पुराने दोस्तों का जब रीयूनियन होता है इतनी सारी बातें, इतनी सारी गपशप, इतनी सारी गॉसिप निकलती है कि मेरा ख्याल से बहुत ही थ्रिलिंग रहता है। हमारे तो 5-6 घंटे बिल्कुल उड़ गए और बिल्कुल भी पता नहीं चला, टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। हम लोगों ने घर पर जो है रीयूनियन किया था, बड़ा खापा और ऑर्डर किए थे पिज़्ज़ाज़ वगैरह, सो इट वॉज़ वेरी फैब। हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी अपना सैटरडे बहुत इंजॉय किया होगा और कोई मूवी शूवी देखी होगी, यार अच्छा खासा स्ट्रेस आउट किया होगा। शुरू करते हैं आज की पहली गॉसिप से, जो कि है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग। संजू बाबा ने दी अग्निपथ की सक्सेस की खुशी में एक पार्टी, जिसमें उन्होंने बुलाया अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने एसोसिएट्स, कोलीग्स वगैरह को। उस पार्टी में शिरकत की किंग खान ने और साथ साथ शिरकत की फराह खान और उनके सारे क्लोज एसोसिएट्स और फराह खान के हस्बैंड ने भी। लेकिन पार्टी के रंग में पड़ गया भंग जब किंग खान आ गए अपने डॉन के रूप में। किंग खान की हो गई किसी बात पर झड़प अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड शिरीष कुंदर से। आ गए वो अपने जज्बात पे और जज्बात पर काबू ना रखते हुए वो बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने शिरीष कुंदर को लगा दिया एक जोरदार थप्पड़। इन सब के बाद आना पड़ा संजू बाबा को बीच बचाव के लिए और उन्होंने जादू की झप्पी देकर सेटलमेंट कराया शिरीष कुंदर और शाहरुख खान का। भाई इस वाक्य के बाद तो लगता है कि शाहरुख खान अपनी न्यूली रिलीज मूवी डॉन से हो गए हैं बड़े इंस्पायर्ड और रियल लाइफ में भी किंग खान बन गए हैं डॉन। वेल गाइज, मैं बात कर रही हूँ मीरा की न्यू कमबैक मूवी के लिए, जो कि वो सेट कर चुकी हैं बॉलीवुड में अपना कमबैक करने के लिए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। शहर से दूर, नक्शे से जुदा, एक घर था जहां वो रहती थी, मुलाकात शैतान के साथ। सर एक औरत नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुड़ैल है सर, शी इज अ ब्लडी साइको वेज। आमने सामने पांच घंटे में 5 करोड़। भाई मीरा, कहीं ऐसा ना हो कि नज़र की तरह ये वाली मूवी भी आपको बहुत भारी पड़े और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आपका नाम फिर से शुमार होने लगे।
हम आपके लिए सिर्फ बेस्ट होप कर सकते हैं। इसके आगे भाई हमारे हाथ में तो और कुछ नहीं है, आपको खुद ही थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। भाई ये तो हो गई आज की गॉसिप, यानी कि इस सेगमेंट की गॉसिप। गॉसिप तो और भी बहुत सारी है इन स्टोर, लेकिन मेरा ख्याल से अब हमें बढ़ना चाहिए एक गाने की तरफ जो कि हम प्ले करने वाले हैं आपके लिए। और सिंस आज संडे है तो मैंने डिसाइड किया है कि एक बहुत ही पावर पैक सा गाना आप लोगों के लिए प्ले किया जाए, जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। यू गाइस शुड गो चेक इट आउट योरसेल्फ। आप ये गाना चेक कीजिए, फिर एक ब्रेक पे जाइए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज। आई होप जो अभी गाना आप लोगों ने चेकआउट किया आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मुझे तो खैर बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज संडे नाइट है और इसलिए संडे है, आखिरी दिन है हमारी छुट्टी का, हमारे वीकेंड का। कल फिर से हेक्टिक मंडे शुरू हो जाएगा। आई हेट मंडेज। आप भी मुझे बताएं आपको मंडेज कैसे लगते हैं। आप मुझे बाकी चीज़ें भी बता सकते हैं, गानों की रिक्वेस्ट वगैरह, आपको शो कैसा लग रहा है, आपको गॉसिप कैसी लग रही है। इसके लिए आप हमें SMS कर सकते हैं 1313 पर। टाइप करें S1, एक स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और हमें अपना मैसेज लिखकर सेंड कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा मेलिंग एड्रेस है studio1@indus.tv।
आप हमें मेल करें, आप हमें SMS करें, हम बिल्कुल साइमल्टेनियसली अपनी गॉसिप और अपनी बातों के साथ साथ आपके SMS और आपके emails इंक्लूड करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। फिलहाल तो आपका फीडबैक बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी अप्रिशिएबल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स का। हमें इसी तरह से अपडेट करते रहिएगा। और अब हम जो हैं आपके लिए अपना नेक्स्ट जो सेगमेंट लाए हैं उसके अंदर हम प्ले करेंगे आपके लिए एक फ़ाखिर की वीडियो। फ़ाखिर से आपने देखे होंगे रिसेंटली काफ़ी सारे गाने रिलीज़ हुए हैं, पहले अल्लाह करे एंड देन एटम बॉम जो हमने प्ले किया था अपने फर्स्ट एपिसोड में, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। इट्स अ वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट सब सॉन्ग, तो वो तो खैर प्ले हो गया था, लेकिन अब आप लोग चेकआउट करें फ़ाखिर के अगले गाने की मेकिंग, विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग। आप लोग चेक कीजिए कि कैसे बना, क्या सीन हुए और गाने में क्या जो है गड़बड़ हुई और क्या अच्छा हुआ। ऑल द गुड्स एंड द बैड्स आर जस्ट कमिंग अप योर वे। ये गाने की मेकिंग चेक करें, हम हैं यहीं पर, बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाखिर और मेरे नए एल्बम जी चाहे में से गाना है बेलिया। चाहत मैं तेरी पागल। इट्स अ लव सॉन्ग, इसकी स्टोरी बोर्ड है which is a sort of a merger between history and romance. Purana zamana hum dikha rahe hain 1940s ka, push kar kar ke mere se acting karwane ki koshish kar rahe hain aur main isko enjoy bhi kafi kar raha hu. Shah Sabaidi ne bhi first time acting job kiya hai. Usama isko direct kar rahe hain jinka ye pehla pop music video hai. Mujhe umeed hai aur meri dua hai ki aap logon ko ye in the end achhi lage. वेलकम बैक लोगों, वापस आ जाओ क्योंकि हमारे पास पड़ी है अब भी बहुत सारी गॉसिप जो है हमें आपको बतानी। वेल, अजय देवगन हमें नज़र आएंगे अपने नए अवतार में। सिंगम और गोलमाल में बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद अब अजय देवगन नज़र आएंगे एक एक्शन मूवी में जिसका नाम है तेज, एक विलन के रोल में। और इस मूवी में उनके साथ बहुत ही बड़ी स्टारकास्ट है, बमन ईरानी, जायद खान, समीरा रेड्डी, कंगना रनौत वगैरह। और ये फिल्म एक्सपेक्टेड है रिलीज़ होना 27th of April को। तुम्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। गलती एक इंसान ने की, जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। चाहे कोई मजाक कर रहा हो, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। फोन के करीब रहो वरना ये ट्रेन जमीन के करीब नहीं रहेगी। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम कितने मासूमों की जान खतरे में डाल रहे हो? Manchester bound goods train exploded this morning near York. We're just getting news that a similar bomb has been placed on the London Glasgow train. Police ka manna hai ki London Glasgow train mein jo bomb rakha gaya hai us pe kisi Asian group ka haath ho sakta hai. Koi bhi Indian, koi bhi Asian dikhai de usse puri tarah cross check karo. Wo yahi kahin hai. आजकल इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती। फिल्म तेज के ट्रेलर्स देखने के बाद लगता है कि ये हॉलीवुड फिल्म स्पीड से काफी इंस्पायर्ड है। Why are they messing with me? Do they think I'm doing this for fun? If it drops below 50, it blows up. We'll be right back.
बस हमें अब ये देखना है कि सैफ अली खान अपनी मूवी की जो रिलीज डेट्स हैं वो मजीद पोस्टपोन करते हैं या फिर तेज से तेज निकलने की रेस में लगे रहते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से पिछले काफी सालों में हम सबका दिल जीता है, अब अपने एक्शन अवतार में वापस आने के लिए पूरे सेट हैं अपनी नई मूवी खिलाड़ी 786 के साथ। ये मूवी सेट होगी रिलीज होने के लिए दिवाली 2012 में। तो उनकी शुरू की जो जितनी भी मूवी थी गाइस, इफ यू रिमेंबर, खिलाड़ी खिलाड़ी जो है उनके सारे जो है मूवीज के नाम में आता था। इट वॉज बेस्ड अपॉन द सेम थीम, सारी एक्शन मूवीज थी, काफी हिट हुई थी और इसी की वजह से उनका नेम पड़ गया बॉलीवुड के खिलाड़ी। ये तो थी इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गॉसिप। अब हमें बढ़ना चाहिए अपने गाने की तरफ, क्योंकि बहुत देर हो गई है, आप लोगों को गाना नहीं सुनाया है। तो मेरा ख्याल से एक बहुत ही पैती सा नंबर प्ले कर दिया जाए, बहुत ही प्लेफुल सा, बड़ा ही डांस नंबर है। दिस इज़ फ्रॉम द न्यू मूवीज कॉल्ड दिल्ली बॉयज़, जिसमें फीचर किया था जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार ने। बहुत ही हिट मूवी थी और बहुत अच्छा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे, इसके गाने भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो वी आर प्लेइंग यू वन ऑफ द ट्रैक्स फ्रॉम दिल्ली बॉयज़, दिस इज़ सुबह होने ना दे। गो चेक इट आउट, टेक अ ब्रेक एंड देन बी राइट बैक। तैनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। साड़ी ता देसी है अदा, साड़े ते हो जानी फिदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। हॉट लगदी लखां दा नोट लगदी, मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी। सानू तू टच कर ले ए ए, मजा तू मज कर ले ए ए, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, आप देख रहे हैं स्टूडियो वन और आप ट्यून्ड इन हैं इंडस्ट्रीजन पे। मैं हूँ मोना और आपने मुझे ज्वाइन किया है संडे को। और मेरा ख्याल से अब टाइम हो गया है कि हम आपका फीडबैक, आपका रिस्पॉन्स आपको पढ़कर सुनाएं। आपके बहुत सारे ईमेल्स, आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं और आई बेटर रीड देम आउट टू यू गाइस। मोना, यू आर रॉकिंग एंड योर शो इज़ ऑल्सो रॉकिंग। जवेरिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू जवेरिया, बहुत शुक्रिया शो को पसंद करने का। आई होप आप देख रहे होंगे सारे शोज़, हमें अपडेट करते रहें। बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि आप लोगों को शो अच्छा लग रहा है। एनी न्यू थिंग दैट यू वॉन्ट टू सी, कुछ भी ऐसी नई चीज़ जो आप शो में देखना चाहते हैं हमें आप वो भी बता सकते हैं। अपनी कोई गॉसिप, अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं, गाने डेडिकेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर तरह से हम जो हैं आपका, आपके फीडबैक को वेलकम कर रहे हैं। एक दूसरा SMS है, इट सेज मोना यू आर गॉर्जियस, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। बड़ा लंबा सा सो मच, ओके, एंड दैट इज इरम अफ फ्रॉम ठट्टा, थैंक यू सो मच इरम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। ओके, ये मैं अगला एक रिक्वेस्ट प्ले करती हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीज़ शहजाद रॉय का सॉन्ग अपने उल्लू प्ले कर दें और मैं ये डेडिकेट करूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को, काशिफ फ्रॉम ओकाड़ा। सो यू गाइस चेक दिस सॉन्ग बाय शहजाद रॉय एंड जॉइन अस बैक ऑन द शो। कह दिया तुम आया, अंग्रेज़ों को भगाया, पाकिस्तान बनाया, तेरा माँ चलाया, ज्यारत के दौरे पे आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर फानी छोड़ गया, वो जानी सच्चा था पाकिस्तानी, कराची में दफनाया, पूरा दुनिया आया, फूलों का चादर चढ़ाया, तेरे नोटों में फोटो आया, गोरों को तूने भगाया। कायदे आजम के बाद बाबा जो भी आता है बस अपना उल्लू सीधा करता है। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू लियाकत अली खान आया, उसको आमिरों ने मराया, सिकंदर मिर्जा आया इसने नहीं चलाया, जनरल अजीब खान आया मार्शल ला लगाया, मिर्जा को माजूल बनाया, 65 का जंग लड़ाया, शास्त्री को मार भगाया, ऐसा सबक सिखाया, मुंह तोड़ जवाब दिलाया, पट फीचर भी बनाया इसने नहीं चलाया, सर बाद में आया आया, आधा पाकिस्तान गवाया, फौज को कैद कराया, बांग्लादेश छिनाया इसने नहीं चलाया। सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, दो नंबर कामों में भी हम नंबर टू, हम नंबर टू कर अल्लाह। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यही पे है गोरे गोरे। भुट्टो साहब जब आया ऐसा निजाम चलाया, पहले कैदी छुड़ाया, जमीन तकसीम कराया, हारी और मजदूरों को दिलाया, मिलों को ताला लगाया, वनियों को तोड़ाया, सरदारी खत्म कराया, रोटी कपड़े का नारा लगाया, सरमायादारों ने सोचा ऐसे कभी न होगा, मनसूबा बनाया, जाओ लख मंगवाया, भुट्टे को कैद कराया, कसूरी का केस चलाया, सूली पे लटकाया, सर मार्शला लगाया, जोड़े जो को मंगाया, वजीर आजम बनाया, उसको माजूर कराया, रेफरेंडम कराया, खुद को तू चुनवाया, मुल्लों को तूने भगाया, कोरड़े खूब लगाया, जेलों में बंद कराया, 11 साल चलाया। कोई रूल नहीं है रूल यही, ये बात सही, तारीख ने की, तारीख ने की। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। रंगीन रंग दिखाया, जहाज उसका गिराया, इस्लामाबाद दफनाया, गुलाम ईसा खान आया, महंगाई को बढ़ाया, 500 में बोरी आटे का लगाया, गरीबों को भूख मराया, 1 साल पीपी को दिया, उसको माजूल किया, नवाज शरीफ को मंगाया, वजीर आजम बनाया, उसको माजूल कराया, मोइन कुरैशी आया, ईमानदारी निभाया, मौत जल्द कराया, फौज को तूने मंगाया, धांधली से बचाया, जीत गया है पीपी, बेनजीर जब आया, बिजली और गैस दिलाया, थोड़ा तनख्वाह बढ़ाया, फारूक को सदर बनाया, सियासी चक्कर आया,
फारूक को गुस्सा आया, असेंबली खत्म कराया, निगरान वजीर बिठाया, निशान था जिसका जीता, नवाज शरीफ ने जीता, आने में आया, 300 तनख्वाह बढ़ाया, धाड़िलों को डंडा चढ़ाया, आठवीं तरमीम खत्म कराया, आटे का किल्लत कराया, एक किस्त पाकिस्तान का अमरीका से अदा कराया, सूबा बलूचिस्तान के जिला चागी में एटमी धमाका कराया, परवेज मुशर्रफ आया, नवाज शरीफ को हटाया, अगवा का केस चलाया, 100 तनख्वाह बढ़ाया, कर्जे वापस कराया, उम्र कैद सुनाया, मुल्क बदर भी कराया, ऐसा काम कराया कि तारड़ को तूने भगाया, खुद को सदर बनाया, रेफरेंडम कराया, खुद को चुनवाया, इंतखाबात कराया, जमाली साहब को वजीर आजम बनाया, जमाली ने जुरत और बहादुरी यही दिखाया कि अपना मोहल्ला आजाद कराया। सब हजम किया, सब खत्म किया, हम फिर देंगे वो खाएंगे, वो खाएंगे, हम पीछे हैं, हट जाए अगर बैकिंग तो गई, वोटिंग भी गई, वोटिंग भी गई, अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए नसीदे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे, अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए नसीदे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। शहजाद राय ने गाना बनाया, किसी को समझ में नहीं आया, एंजीना जूली आया, बाबा साहब को समझ में आया। वेलकम बैक फ्रॉम द सॉन्ग गाइज, आप सुन रहे थे अपने उल्लू बाय शहजाद रॉय, जो कि हमें डेडिकेशन आई थी हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेडिकेशन थी, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। मैं एक गॉसिप काफ़ी दिन से आपसे शेयर करना चाह रही थी, ये पर्टिकुलर गॉसिप मैं इंक्लूड करना चाह रही थी, विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एंजेला जॉनसन जो कि हैं किंगफिशर की एक बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल, फिर से वेंचर करने जा रही हैं बॉलीवुड में, और उनका ये ख्वाब सच करने वाले इज़ नन अदर देन सलमान खान, जो कि बहुत ही लकी साबित हुए हैं पास्ट में कैटरीना कैफ जैसी सुपरस्टार्स के लिए, जो कि अब बहुत ही रिनोन्ड नाम है बॉलीवुड में। पहले वो हमें देखेंगी शेर खान में ऑपोजिट सलमान खान, इसके अलावा अमर अकबर एंथनी के रीमेक में भी वो हमें नज़र आएंगी सलमान खान के ऑपोजिट। वेल एंजेला, आप लोग को तो बहुत ही मेरा ख्याल से अट्रैक्टिव ऑफर्स मिल चुके हैं बॉलीवुड में, आई होप यू मेक इट बिग बिग बिग। ये तो हो गई जी गॉसिप, अब मेरा ख्याल से आप लोगों को हम चेक कराते हैं एक गाना, दिस इज़ अ वेरी नाइस वेरी वाइब्रेंट गाना, बहुत ही लाउड सा बड़ा ही पार्टी नंबर है, क्योंकि आज संडे है तो हम अच्छे अच्छे पार्टी नंबर्स लेकर रहे हैं, ताकि आपका आखिरी वीकेंड का दिन बहुत ही अच्छा हिप हॉप सा गुजरे। तो यू गाइस शुड गो चेक आउट दिस नंबर, ये गाना सुनिए, इंजॉय कीजिए, वापस आइए और एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद वापस आए, वी विल बी राइट हियर, स्टे ट्यून्ड। This is that original, this has no identical, you can't hack my digital, future aboriginal, get up off my genitals, I stay on that pinnacle, kill you with my lyricals, call me verbal criminal, send you to that clinical, subscribe you some chemicals, audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level, never on that typical, will I stop, oh never know. I ain't gonna stop until I'm done, don't stop it. I ain't gonna quit until I've won. Now baby don't you stop it, stop it. Now baby, don't you stop it, stop.
Every day I'm partying. You can find me at the club, popping bottles, mingling. Ladies dancing to the jam, acting naughty, man oh man. Got me in the mood again. At the party, partying. Yeah, I keep it happening. Taking shots, whatever, man. Party like a veteran. Music is my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज. आई होप आप लोगों ने ये बहुत ही पार्टी नंबर इन्जॉय किया होगा. मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आप अपनी भी रिक्वेस्ट, डेडिकेशंस, अपनी कंप्लेंट्स, अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें एसएमएस कर सकते हैं. सैडली आज के हम सेगमेंट में आपकी कॉल्स नहीं ले पाएंगे, विच इज़ प्रिटी सैड. लेकिन आई प्रोमिस कि आने वाले फॉर श्योर एपिसोड में हम आपकी कॉल्स लेंगे. मैं पढ़ती चलूँ एक ईमेल और एक एसएमएस आप लोगों के लिए. आई हैव एन ईमेल और इट सेज, हाय स्वीटी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू. यू रियली प्रिटी, आई लाइक यू एंड योर शो. मोना फ्रॉम कराची. ओके मोना, थैंक यू. हम लोग हम नाम हैं. दिस इज़ अ वेरी शियर कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. आप हमें बताते रहिए, हमें एसएमएस करते रहिए, हमें ईमेल करते रहिए. हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे. एक गॉसिप की तरफ जो मैं इंक्लूड करना चाह रही थी काफ़ी देर से, वो एक और गॉसिप ये है
कि बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट मिस्टर आमिर खान, जो कि हैं मेरे बहुत ही पर्सनल फेवरेट, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी परफेक्शन जो उनकी होती है एक मूवीज़ में हमेशा नज़र आती है, हिज मूवीज सच एज़ गजनी, धोबी गार्ड, थ्री इडियट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कभी वो अपने डायरेक्टोरियल रूप में या कभी वो अपने एक्टर के रूप में, हमेशा ही हैज़ ऑलवेज बीन अ परफेक्शनिस्ट, हमेशा अपने काम में परफेक्शन देखते हैं, लेकिन अब आजकल वो नज़र आ रहे हैं थोड़ी सी तलाश में। और ये तलाश किस चीज़ की है? वेल गाइज, डोंट वरी, ये तलाश उनकी एक नई मूवी का नाम है जिसमें वो फीचर करते हुए हमें बहुत जल्द दिखाई देंगे। आई गेस यू शुड चेक आउट द फर्स्ट लुक ऑफ तलाश एंड बी राइट बैक। सच की तलाश में बहुत सारे झूठ सामने आते हैं, लेकिन जब सच उभर कर आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपने चेक किया तलाश का फर्स्ट लुक जो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड आमिर खान की नई अपकमिंग मूवी। इसके बारे में हमें जैसे भी अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे जैसे हमें नया न्यूज फीडबैक आता रहेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो भी नई गॉसिप, जो भी नई न्यूज होगी, हम आपको फॉर श्योर अपडेट करते रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमारे शो पे और देखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इंक्लूड कराना चाहते हैं, हमें प्लीज़ ईमेल करें, हमें एसएमएस करें। मैं आखिर में अपनी एसएमएस और ईमेल डिटेल्स भी आपको बताती चलूं। एसएमएस आप हमें करेंगे 1313 पर, S1 लिखें जो कि स्टैंड करता है स्टूडियो 1 के लिए, और एक स्पेस दें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, आपका मैसेज लिखें वेरी इंपॉर्टेंटली, और हमें सेंड कर दीजिए। और हमें आप ईमेल कर सकते हैं studio1@indus.tv पर। हम आपके SMS, आपके ईमेल शो में पढ़ते चलते हैं फॉर श्योर, हम हर सेगमेंट में पढ़ते रहते हैं, गॉसिप के बीच में इंक्लूड करते रहते हैं। डेडिकेशंस भी आपने देखा है कि हम आपके SMS के थ्रू भी प्ले करते हैं और आपके ईमेल के थ्रू भी प्ले करते हैं। वेरी सैडली हम जो हैं इस दफ़ा डायल आईवी सेगमेंट जो है वो नहीं कर पाए, बट फॉर श्योर हम लोग अगले एपिसोड में, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, दैट इज़ अ प्रॉमिस, हम लोग आपका डायल आईवी सेगमेंट ज़रूर प्ले करेंगे और आपके कॉल्स लेंगे 0900-333-22 पर। यू कैन कॉल अस बैक अगेन, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। आप हमें अपडेट करते रहिए, हम अपनी गॉसिप्स वगैरह से आपको अपडेट करते रहेंगे। वी विल ब्रिंग यू मोर ऑफ द गॉसिप। अब मेरा ख्याल से मुझे चलना चाहिए, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, क्योंकि कल है मंडे, इट्स अ वेरी बैड डे आई नो, और संडे जा रहा है, हम सब बहुत सैड हैं क्योंकि संडे दूर जा रहा है और मंडे करीब आ रहा है, विच इज़ वेरी बैड। तो मंडे आने वाला है, मेरा ख्याल से तैयारी करें। आई विश यू अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मंडे, आई विश यू अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द न्यू वीक, और अपना नया वीक बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।